वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते थे कि प्लीज़ एक कॉलेज टूर वीडियो लाओ जिसमें हम पूरे कॉलेज को देख सके कि बीएमएस कॉलेजेस एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। तो में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस साल बीएमएस यानी कि आयुर्वेद में एडमिशन लेने वाले हैं, तो तुम लोगों को बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि बीएमएस के कॉलेजेस दिखते कैसे हैं एक्चुअली। तो आई स्टडी इन बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी। ये एक स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है एंड ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। हॉस्पिटल कैसा है एंड अकेडमिक ब्लॉक कैसा है, लैब्स वगैरह कैसे हैं। तो चलो देखते हैं कि कॉलेज में और क्या क्या चीज़ें हैं। वेलकम टू द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी। सो वी हैव टोटल टू एंट्रेंसेज फॉर द कॉलेज। फर्स्ट वी हैव दिस एंट्रेंस फॉर द एकेडमिक ब्लॉक एंड द सेकेंड वन फॉर द ओपीडी एंड हॉस्टल्स। सो दिस इज द एंट्रेंस व्यू। कैंपस छोटा है लेकिन इट इज़ वेरी ग्रीन, क्लीन एंड वेल पेंटेड। First and foremost, we are going to start off with the OPD. Here we have three major section, two entrances. First section we have for the medicine distribution. Here you can get the Ayurvedic medicines. Second, we have this registration wali khidki where you can get your parcha in just 1 rupee. OPD and IPD dono ke parche tum yahan se banwa sakte ho. And then we have two entrances. Enter karne ke baad you can spot some patients and yahan pe teen OPD departments hai, pediatrics ka, obs and gyne ka एंड मेडिसिन का सबसे ज़्यादा बिजी डिपार्टमेंट है। अभी यू कैन स्पॉट फ्यू पेशेंट्स क्योंकि अभी लंच का टाइम है। देन वी हैव टू मोर ओपीडी जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, ईएनटी एंड सर्जरी की ओपीडी। लाइकवाइज फर्स्ट फ्लोर पे भी वी हैव सम मोर ओपीडी डिपार्टमेंट्स जिसमें पैथ लैब है, ईसीजी डिपार्टमेंट, पंचकर्मा एंड स्वस्थ व्रत। नेक्स्ट वी हैव द लाइब्रेरी। जैसे ही लाइब्रेरी में तुम एंटर करते हो यू कैन गेट दिस मैगजीन वाला सेक्शन। यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक मैगजीन्स रखी हुई हैं। दिस इज द मेन एंट्रेंस। लाइब्रेरी छोटी है बट यू कैन ईजिली कॉन्सेंट्रेट हियर। दिस इज अ वेरी क्लीन पोर्शन एंड यू कैन स्टडी हियर अप टिल 5 PM। तो दिस इज़ द लाइब्रेरी। ये है पूरा जो हमारा स्टडी स्पेस है वो, और यहाँ पे सारी बुक्स लगी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आ जाओ दिखाते हो। यहाँ पे सारी ओल्ड बुक्स हैं। ये एनाटॉमी का सेक्शन है और कुछ ये बहुत ही पुरानी मॉडर्न बुक्स रखी हुई हैं। ये तो अभी कोई नहीं पढ़ता है फिलहाल, पर ये पुराने टाइम में पढ़ी जाती थी जब पुरानी बैचेस थी तब। और अभी के लिए जो नई बैचेस आई हैं और जो हमारे नए एडिशन आए हैं वो सारे बुक्स यहाँ पर रखी गई है ये वाले सेक्शन। इस साल तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट क्योंकि इस बार हार्ड वर्क के साथ साथ तुम्हारा स्मार्ट वर्क भी काम आने वाला है। एंड अगर तुम अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए सीरियस होना तो एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए PW लेके आया है अपनी नीट की सारी बैचेस में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स। अगर तुम 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो तुम अर्जुना और लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम यकीन 4.0 को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो। अगर तुम इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो तुम्हें PW की हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाने वाली है। तुम्हें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सारे क्विजेस के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, सारे क्लासेस के PDF नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन द PW ऐप इटसेल्फ एंड शेड्यूल्ड टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे। टाइम टाइम पे टेस्ट होंगे ताकि तुम अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से जज कर पाओ। इनमें से अगर तुम कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो तुम्हें हर बैच के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल मिलेंगी। कोर्सेज परचेज करने के लिए तुम्हें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड अगर तुम मेरा कूपन कोड KP150 यूज़ करते हो तो तुम्हें इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है। एंड हाँ, अगर तुम्हें मॉड्यूल्स परचेज करनी है तो उस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तुम ऐप पे जाके स्टोर चेक कर सकते हो। दिस इज माई फेवरेट स्पॉट इन द कॉलेज। सबसे ज़्यादा टाइम हमने इसी स्पॉट को दिया है। तो सेकेंड ईयर में ना तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी यानी कि द्रव्यगुण नाम का। उसमें हम बहुत सारे हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में। एंड जितने भी कैंपस में पेड़ है ना हमने सब घूम घूम के देखे हैं, कैंपस टूर किया है बहुत बार। एंड कैंपस में छोटे छोटे प्लांट्स भी हमने देखे हैं। तो सेकेंड ईयर का पूरा टाइम यहीं पर गया है। सो दिस इज़ हाउ एन आयुर्वेदिक फार्मेसी लुक्स लाइक। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का एक अलग से सेक्शन है। वी हैव सम यूटेंसिल्स हेयर, एक गैस स्टोव है एंड रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना के ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल्स यहीं कंडक्ट करवाए जाते हैं।
सो ये है हमारा रसशास्त्र का डिपार्टमेंट एंड रसशास्त्र के साथ तो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं एंड आई फील रियली नॉस्टैल्जिक जब से मैं यहाँ पे आई हूँ. काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे चूल्हा है जहाँ पे हम बहुत सारी औषधियाँ बनाते थे, काफ़ी सारी यूटेंसिल्स हैं, गैस है जो हम यूज़ करते थे एंड बहुत सारी सेकेंड ईयर में हमने औषधियाँ बनाई है. एंड एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हम बैठते थे एंड मैम जो बोलती थी जितना कुछ लर्न करना है हम पूरा चैप्टर लर्न करने के बाद हमें अटेंडेंस मिलती थी एंड फिर अटेंडेंस दे के हम जाते थे. एंड अगर आज का काम आज नहीं सुनाया तो हमें अटेंडेंस नहीं मिलती थी. तो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहा है यहाँ पे. दिस इज़ द एकेडमिक ब्लॉक ऑफ माई कॉलेज. सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करने में यू कैन सी दिस रचना शारी विभाग जिसको तुम एनाटमी का डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो. एंटर करने के बाद ही यू विल सी सो मेनी चार्ट पेपर्स हैंगिंग ऑन द वॉल्स जो कि स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं. इस कॉरिडोर में दो मेजर सेक्शन है, एक डाइसेक्शन हॉल एंड एक एनाटमी लैब. सारे डिपार्टमेंट्स मुझे अवेलेबल नहीं मिले तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर को कवर करूँगी एंड जो चीज़ें बची हुई थी जो मैं उस दिन नहीं कर पाई थी वो हम करेंगे आज. As soon as you reach the first floor, you will see some more departments like Kai Chikitsa, Rog Nidan, Swastvrit and Dravyagun. In the IPD section of hospital, you can see separate wards for male and female. साथ साथ में we have this panchakarma department also, जिसमें सारी panchakarma की services patients को दी जाती हैं. OT isn't that up to date, but it's very much functional and throughout the year, so many surgeries are performed here.